शाहबाद विधानसभा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर में ये विधानसभा क्षेत्र आता है। और जिस तरीके से ये शहर, ये विधानसभा क्षेत्र परिचय का मोहताज नहीं है, उसी तरीके से हमारे बगल में बैठे हुए शख्सियत जो है वो भी परिचय के मोहताज नहीं है। सुरेंद्र सिंह सागर, जिस तरीके से नुमाइंदगी किया, मंत्री का दर्जा प्राप्त किया और जिस तरीके से कामकाज रहा वो काबिले तारीफ काम है। इस बार फिर से BSP के टिकट पर प्रत्याशी बनाए गए हैं शाहबाद विधानसभा क्षेत्र से। मुद्दे क्या है, मसले क्या है, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जनता वोट क्यों दे सागर साहब को, BSP को वोट क्यों दे, मैडम जी को वोट क्यों दे, खुद बताएंगे यहाँ के प्रत्याशी। सर, जनता आपको वोट इस बार क्यों दे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल से धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ तक ऐसे मौसम में आए हैं। आपका सवाल है कि पूछता हमें वोट क्यों दे। देखिए, जब 2007 में और 12 तक GST की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी तो उस सरकार में जन कल्याणकारी योजनाएं चली थी जिन्हें जनता आज याद कर रही है। आज़ादी के बाद पहली बार अगर गाँव में सफाई के लिए कर्मचारी तैनात हुए, सफाई करनी तो BSP सरकार में हुई, उसमें गांव की सफाई हुई और लोगों को रोज़गार मिला। अंबेडकर योजना ऐसी चली कि जिस गांव का चयन अंबेडकर योजना में हुआ उस गांव का सर्वांगीण विकास हुआ। नाली, खरंजे, सब सीसी रोड ऐसी बन गई जैसे शहरों से भी बेहतर बनी। गरीबों के लिए मानवर कांशीराम योजना के तहत आवास दिए गए, वो आवास ऐसी जगह दिए गए हैं जहाँ ज़मीन की कीमत 50,000 रुपये गज आज की तारीख। गाँव में गरीबों के लिए महामाया पेंशन योजना चलाई गई, वो पेंशन योजना हर उस परिवार को दी गई जो गरीब परिवार था, भूमिहीन परिवार था। तो बड़े पैमाने पर लोगों को रोज़गार मिला, पुलिस भर्ती भी हुई, एक BSP की सरकार में ऐतिहासिक कार्य हुआ। तो हमारे विधानसभा क्या पूरे प्रदेश की जनता तुलना कर रही है कि 2007 से 12 तक क्या हुआ, 12 से 17 तक क्या हुआ और 17 से 22 तक क्या हुआ है। तो तुलना करने के बाद जनता ये कहती है कि BSP का शासन बहुत बेहतर था हर मामले में, इसलिए वोट मिलना भी चाहिए, बता रहे हैं सुरेंद्र सिंह सागर साहब। सुरेंद्र सिंह सागर साहब का सपना क्या है, ख्वाब क्या है? जनता ने आशीर्वाद दिया, आपने विधानसभा तक का सफर तय किया, तो आपका अपना ख्वाब क्या है, सपना क्या है, पहला काम कौन सा करेंगे इस इलाके में जिसकी ज़रूरत आप खुद महसूस कर रहे हैं, जो आपका अपना भी ख्वाब है? देखिए साहब, मेरा कोई ख्वाब नहीं है। अगर मुझे जनता नवाजती है और मैं बनता हूँ तो मैं जनता की सेवा करूँगा। पहला सपना तो मेरा यही है, जनता के बीच रहूँगा, उनके दुख दर्द में भी साथ रहूँगा। क्योंकि मुझे जहाँ तहाँ जो शिकायतें मिली हैं वो ये मिली हैं कि वर्तमान विधायक ने बनने के बाद आज तक किसी को चेहरा नहीं दिखाया है। अगर कोई मिलने गया तब मुलाकात नहीं हुई और क्षेत्र में तो वो आई नहीं है। मतलब कोविड के दौर में एकदम से पालन किया, कोविड का पालन नहीं किया। कोविड में तो और लोग भी निकलते हैं, तमाम नेता निकलते हैं, लेकिन उन्होंने ये देखा कि हमें वोट जनता ने बगैर मांगे दे दिया था, एक मोदी या योगी जी के नाम पर वोट दे दिया था, उसमें उनकी कोई काबिलियत या मेहनत नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने जनता का सम्मान नहीं किया और जनता आज उन्हें नकार रही है पूरी तरीके से। सुरेंद्र सिंह सागर BSP के बड़े और दिग्गज नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, साथ ही प्रत्याशी बनाए गए हैं शाहबाद विधानसभा क्षेत्र से। कुछ और भी अहम सवाल जिनके जानेंगे दिलचस्प जवाब, लेकिन वक्त तो चला है ब्रेक का।